संत बाबा खजान सिंह शिवगर तकीए वाले अते पहलवान मिलखी राम दी याद विच पिंड उच्चा बेट विखे 47वां छिंझ मेला समूह ग्राम पंचायत वालों प्रवासी वीरां दे सहयोग दे नाल करवाया गया। छिंझ मेले दा उद्घाटन अते इनामां दी वंड संत बाबा लीडर सिंह दी मुख सेवादार गुरद्वारा गुरसर साहिब वालियां वालों कीती गई। छिंझ मेले विच पटके दी पहली कुश्ती विच पहलवान रोजी बू अते भुपिंदर अजनाला बराबर रहे। दोहां पहलवानां नूं 1,11,000 रुपए दा इनाम बराबर वंड दित्ता गया। पटके दी दूजी कुश्ती विच भी पहला एक पहलवान नूं जेतू करार दे दित्ता गया, जिस तों बाद रैफरी लैंबर शाहकोट दे फैसले ते लोक इतराज़ करन लगे तां लैंबर पहलवान ने खुद माइक फड़ के कहा कि रैफरी केड़ा रब हुंदा है, उस तों भी गलती हो सकती है। पर बाद विच इह कुश्ती भी बराबर ही ऐलान दित्ती गई अते 1,11,000 दा इनाम बराबर वंड दित्ता गया। होरना कुश्ती मुकाबलियां विच बिंदा बिशनपुर ने करम पटियाला नूं हरा के 51,000 रुपए दी राशि दे उत्ते अपना कब्जा कीता। इस तों इलावा एक कबड्डी दा शो मैच भी करवाया गया, जिस दे विच खिडारियां वल्लों उमदा प्रदर्शन दे नज़ारे देखण नूं मिले। जगरूप कोहाली, धर्मेंद्र कोहाली, प्रिंस कोहाली, पप्पू कोहाली, मीत कोहाली, नामी पहलवान इस नारे ने पहला कीता सी। धनवाद करते पदार्थ पहलवान जिन्होंने खाली का मन गबरू धर्मेंद्र कोहाली परले पासे नीले रंग का लंगोटा ते चिट्टे रंग के लंगोटे च अली पहलवान का छोटा वीर ए गली ललिया पहलवान ना कुश्ती चल रही है। मामा दे पली पुत बबर शेर है मारे दाब करे कुश्ती का फैसला अगली कुश्ती लई रोची आरसीएफ ते भुपिंदर अजनाला ये भी पहलवान तैयार व तैयार हो गए। बाजते हुए ढोलते लगे है खादिया खुराक अज कहते खाने च पता लग गया के मन दा मार के अज कुश्ती का फैसला करता कि मां पुत नू लगी समझाउण इक दिन पुत्रा जिंदगी दे विच महान बन जाई की फतेह। अज मिती 8 नवंबर पिंड उच्चा विच 47वां सालाना छिंझ मेला करवाया जा रहा। यह छिंझ मेला पहलवान मिलखी राम जी की याद में कराया जा रहा, जिस विच नगर निवासी पिंड उच्चा NRI वीर अते इलाके दे संगत वल्लों सहयोग दिता जा रहा। संत बाबा लीडर सिंह जी गुरद्वारा गुरसर साहब, संत बाबा महात्मा मुनि जी गुरद्वारा खैड़ा बेट जी वाले उन्होंने वालों इस मेले में खास सहयोग दिता जा रहा है। इस विच चोटी दे पहलवान पुज रहे हैं जी सारे नगर वासियों के NRI वीर इस मेले प्रति बहुत उत्साह है जी। ब्यूरो डेस्क रिपोर्ट के नाल द टीवी NRI स्पोर्ट्स।